अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अमदाद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपसे ब्रेकिंग न्यूज़ का प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। और गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़ को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों के सजेशन और कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। सो गाइस, प्लीज़ ज़्यादा सजेशन और कंट्रीब्यूशन करें ताकि ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों की वजह से दिलचस्प और खूबसूरत बन सके। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक, चीज़ें, मूवीज़ पर एक्चुअली लेकर आता हूँ। आज मैं अपने दोस्तों के लिए जबरदस्त न्यूज़ सेलेक्ट की है, उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को अच्छी लगेगी। सो गाइस, आइए मिलकर वीडियो देखते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो साथ में बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो आने वाली वो आपको सब्सक्राइब कर मिल सके। सो गाइस, डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। श्री कृष्ण और रुक्मिणी। विदर्भ राज भीष्मक को रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मिणी नामक कन्या थी। एक दिन जब भीष्मक राजपरिवार के साथ बातचीत कर रहे थे, रुक्मी वहां आया। मैं अभी मथुरा से आ रहा हूँ। उस कायर कृष्ण ने कंस को मार डाला। बलराम और कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। जन्म होते ही उन्हें गुप्तता से गोकुल ले गए थे। कंस के सभी प्रयासों के बाद भी आकाशवाणी सत्य हुई। वो तो एक महान पुरुष है। तो फिर वो कायर कैसे हुआ? वो तो दैवी पुरुष है। रुक्मिणी, उसने मेरे मित्र को मारा है और तुम उसी की तारीफ कर रही हो? कंस, उसने तो अपने ही पिता को बंदी बनाया था। तब तो कृष्ण का ही राज्य अभिषेक हुआ होगा। नहीं, उसने उग्रसेन को ही फिर से राजा बनाया। क्या, उसने सिंहासन ठुकरा दिया? जी हाँ। रुक्मिणी ये सब बातें सुन रही थी। उसके मन में श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा थी। उसी तरह श्री कृष्ण भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहते थे। एक दिन रुक्मिणी राज बगीचे में टहल रही थी। वही और सिर्फ वही मेरे स्वामी होंगे। अपने भाई और पिता को देखते ही रुक्मिणी ने अपने आप को छिपा लिया। रुक्मिणी, तुम्हारी माँ की इच्छा है कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। आप यह सोच भी कैसे सकते हैं पिताश्री, उसने मेरे मित्र को मारा है। भ्राताश्री, कृपा करके अब मना ना करें। ठीक है, क्या तुम्हारे मन में कोई है? जी हाँ, मेरा मित्र शिशुपाल, चेदी का राजकुमार। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये क्या, स्वयंवर आयोजित किए बिना ही ये सब कुछ तय कर रहे हैं? मन में कुछ सोचकर रुक्मिणी राजमहल लौटी और उसने अपने भरोसेमंद ब्राह्मण सुनंद को बुलाया। क्या हुआ बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो, मुझे क्यों याद किया? रुक्मिणी ने अपने विचार उन्हें सुनाए। आपको श्री कृष्ण के पास मेरा दूध बनकर जाना होगा। जैसा तुम चाहो बेटी। तुरंत रुक्मिणी ने अपनी योजना लिखकर सुनंद को दी। ये आप श्री कृष्ण को दीजिए और उनसे कहिए कि मेरे लिए मेरे अपनों पर कोई आंच ना आए। द्वारिका जाकर सुनंद ने श्री कृष्ण को ये समाचार सुनाया। सुनंद, आप उसे कह दीजिए कि उनका विवाह मुझसे ही होगा। सुनंद ने बड़ी खुशी से ये समाचार रुक्मिणी को दिया। सुनंद के जाने के बाद वो बलराम के पास गए। मुझे विदर्भ जाना होगा। ओ।
क्या श्री कृष्ण आ रहे हैं? आशा है कि वे रुक्मिणी को ही लेने आए होंगे। स्वागत है, स्वागत है। श्री कृष्ण ने राजमहल के रास्ते पर शाही मंदिर देखा। शायद यही वो मंदिर है जिसके बारे में रुक्मिणी ने लिखा था। रुक्मिणी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसी वक्त रुक्मिणी को श्री कृष्ण के आने की खबर मिली थी और वो मंदिर के पास ही उन पर हमला करने के लिए तैयार था। ये क्या, श्री कृष्ण तो कहीं नजर नहीं आ रहे। चिंताग्रस्त रुक्मिणी मंदिर में प्रार्थना करने गई। जब वो बाहर आई, क्या हुआ, उनका तो कहीं पता नहीं, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? जब वो अपने रथ के पास, गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो जिस पर आज मैंने रिएक्शन दिया। वीडियो बहुत ही जबरदस्त और काफी इंटरेस्टिंग रही आज की हमारी। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। अगर आप लोग मुझे सीरियल के लिए कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पर रिएक्शन दूँ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं। सो गाइस जाने से पहले अगर वीडियो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, नेवर मिस अ अपडेट। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हाफिज़।